नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नरेंद्र सिंह और हमारे एक सब्सक्राइबर है, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो आपका ये कीबोर्ड है, हम इसके द्वारा जो आइकन है डेस्कटॉप के, वो ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करें बिना माउस के हाथ लगाए। ये बहुत ही सरल है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो मैंने नोट कर लिया है। हम कीबोर्ड के द्वारा ड्रैग ड्रॉप कैसे करें, मूव कैसे करें, कट कैसे करें, पेस्ट कैसे करें, जो मेनू है ओपन कैसे करें, मिनिमाइज कैसे करें, मैक्सिमाइज रिफ्रेश और वो सारी चीज़ें आप केवल कीबोर्ड के सहारे कर सकते हैं, आपको माउस की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार आपका जो पीसी है वो दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो आपको मेन बटन है वो है टैब बटन, ये दबाना है। इसी से आपका काम शुरू होगा। देखिए, मैंने जैसे टैब दबाया है तो आप एक बात नोटिस करना कि जो आपकी मेनू है वहाँ पर एक ब्लैक कलर आ गया है, देखिए बिल्कुल ब्लैक ब्लैक। ठीक है, फिर आप टैब दबाएंगे तो सर्च के अंदर चला गया, फिर दबाएंगे तो कोर्टाना के अंदर, फिर टास्क व्यू के अंदर और फिर जो फास्ट सॉफ्टवेयर इसके अंदर, आप ऐसे ऐसे आगे भी जा सकते हैं। फिर डायरेक्ट आपके यहाँ चला गया हिडन के अंदर, फिर डायरेक्ट आपके जो ऑल मिनिमाइज के अंदर चला गया। यहाँ आने के बाद में ये जैसे यहाँ पर आएगा फर्स्ट आइकन पर, ठीक है, यहाँ आने के बाद एक बार और टैब दबाइए, ये ऊपर आ गया। ठीक है, आपको मान के चलना है। अब देखिए उस पर हल्का हल्का सा कलर चल रहा है सॉफ्टवेयर पर, ऊपर जो ऊपर आइकन है। ठीक है, तो अगर देखिए सबसे पहले देखिए, देख रहे हैं आप हल्का हल्का कलर चल, जो मेरे एरो बटन है, देखिए मैं एरो बटन भी दबा रहा हूँ, ठीक है एरो बटन। ठीक है, तो अभी आपको जो भी आइकन है उसको कट करना है। ठीक है, जो भी आइकन कट करना है तो उस पर आपको एरो बटन से जाना होगा। ठीक है, तो ये मैं एरो बटन दबा रहा हूँ, ये देखिए, जैसे कि ये मेरा कंट्रोल पैनल है। अब इस कंट्रोल पैनल को मैं इस खाली फोल्डर में डालना चाहता हूँ, कैसे डालूँ एंड ड्रैग ड्रॉप कैसे करूँ। देखिए, कीबोर्ड पे कोई भी ड्रैग ड्रॉप का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक मेनू बटन देख रहे हैं, ये वाला मेनू बटन, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, अगर ड्रैग ड्रॉप करना चाहते हैं तो जब विंडोज़ जो कंट्रोल बटन है, कंट्रोल प्लस एक्स दबाइए। ठीक है, तो ये देखिए हल्का हल्का हो गया। उसके बाद जो एरो बटन नीचे वाला, ये दबाइए वापस, और जो फोल्डर है उसको ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के लिए मेनू है, इस द्वारा ओपन कर सकते हैं, ये मेनू बटन है। जैसे इसको दबाएंगे तो यहाँ पर एक कंप्यूटर के अंदर मेनू ओपन हो गई। तो इसके द्वारा ठेड ऊपर सबसे ऊपर जाइए आप, ठीक है, और ओपन पे एंटर करिए और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लीजिए। तो देखिए कंट्रोल पर आइकन है वो कट कर इसके अंदर आ गया। अब इसको आपको मिनिमाइज़ करना है, तो विंडोज़ ये वाला बटन दबाइए, डाउन एरो वाला। ठीक है, ये मिनिमाइज़ हो गया। अब बात करते हैं कि इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है कि अगर आपको ओपन करना है कुछ भी, कट पेस्ट सेलेक्ट करना है, तो देखिए एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर आपको कुछ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सिंपल से ऐसा रहेगा, टैब बटन दबाना आपको। तो देखिए शुरू से टैब बटन आपको इसके अंदर हल्का सा दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर आ गया, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया और नीचे, और ये दबाते इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आता है कि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कैसे करें। ठीक है, तो ये आपका आइकन आ गया है यहाँ पर, और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए कर लीजिए, सब सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप सबको नहीं करना चाहते और किसी करना चाहते, ठीक है, तो इनको वापस हटाने के लिए ये बटन है, इसको दबा दीजिए, हट जाएंगे। ठीक है, और ये फिर भी नहीं हट रहे तो विंडो एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे एक्टिव कर सकते हैं आप, F5 प्रेस करके। ठीक है, F5 प्रेस करते रिफ्रेश हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एक एक सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जो ये एरो बटन, इसको दबाइए, तो ये देखिए एक एक सेलेक्ट हो गया, देखिए। ठीक है, ठीक है, वापस हटाना, ये एप्स दबा दीजिए, इससे नहीं हटता, ये F5 दबा दीजिए, प्रेस हो जाएगा। अभी इसके अलावा आपको करना है कट पेस्ट, तो जैसे जो भी है आपके फाइल उस पर ये मेनू बटन, ये दबाइए, यहाँ पर ऑप्शन आता है नीचे, यहाँ ओपन कर सकते हैं आप, यहाँ तक ओपन विथ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आता है कट। ठीक है, कट पर आने के बाद एंटर दबा दीजिए, ये थोड़ा सा फेड कलर का हो गया, और जहाँ इसको डालना है, सॉरी डिलीट करना था, डिलीट दबा दीजिए, और पेस्ट करना पेस्ट दबा दीजिए। और अब जो आपका जो विंडोज़ है ये, इसको मिनिमाइज़ करना है तो ये नीचे वाला दबा दीजिए, सॉरी पहले रिप्रेस कर लीजिए और फिर इसको मिनिमाइज़ दबा दीजिए। ठीक है, सॉरी विंडोज़ मिनिमाइज़, ये वापस हो गया। और उसको वापस ओपन करना है अल्टर और टैब दबा दीजिए, तो ये टास्क भी हो गया, इसके अंदर उसको वापस ओपन कर लीजिए, जो भी ओपन करना है, ये देखिए।
तो इस प्रकार आप कोई भी शॉर्टकट काम कंप्यूटर कर सकते हैं। बस मेन बटन एक तो टैब है, एक शिफ्ट है और एक कंट्रोल है, और अल्टर है, और ये एरो बटन है, बस यही है। इसके द्वारा आप कंप्यूटर दोस्तों पूरी तरह बिना माउस के चला सकते हैं, कोई भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी विंडोज टैब वगैरह। तो ये टैब बटन दबाना, ये टैब ही आपका सब कुछ सिलेक्ट करेगा। ये आप देखेंगे धीरे धीरे हल्का हल्का फेड कलर आता रहता है। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।